Yo guys, it's your consistent boy. अबे साले। Anyways, छोड़ो ये सब। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ अपना घर, क्योंकि ये वाला घर देख लो मेरा कितना गंदा सा है। वैसे गंदा सा मैंने टेम्परेरी घर था ये, तो अब मैं अपना परमानेंट घर बनाने जा रहा हूँ। तो उस घर के लिए मुझे जगह ले रखी है, मतलब जगह ले रखी है, सब जगह अपनी है। तो पहले मैं उधर जाने के लिए एक बेड बना लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार तो इधर आऊँगा नहीं, वो जगह थोड़ी सी दूर है, तो मैं बेड उधर ही रख दूंगा। बनाते टाइम मैं वहीं सोता रहूँगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो घर का रास्ता थोड़ा दूर है, चलते हैं घर की तरफ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैं अपने घर की तरफ आ चुका हूँ। और ये जगह मैंने थोड़ी बहुत फ्लैट कर रखी थी, मतलब यहाँ पे ऊंची नीचे जगह थी, तो मैंने वो वाले ब्लॉक्स तोड़ के ये जगह फ्लैट कर दी और थोड़े बहुत साइड में लगा दिए, क्योंकि घर के लिए जगह चाहिए थी। और ये जगह ऐसे रहने थी, यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट वगैरह रख ली है, तो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। ये मत पूछना सामान कहाँ से आया, वैसे मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है, तो मैं दिख रहा होगा वहाँ के थोड़े बहुत पेड़ भी कटे हुए हैं, तो वो पेड़ इसी वजह से कटे हुए हैं। तो यहाँ पे सब स्प्रूस के थे, तो मुझे स्प्रूस की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो स्प्रूस के ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे इसमें स्प्रूस से बनेंगी, तो मैंने स्प्रूस तोड़ के रख लिया। तो वैसे मेरे पास थोड़ा कोल पड़ा है और थोड़ी सेंट पड़ी है, तो इसमें अपने लिए वो क्या कहते हैं उनको, ग्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सब सामान रखा है अपने पास, और ओक की भी ज़रूरत थी, मतलब ज़मीन वगैरह ओक से बनेगी और दीवारें वगैरह स्प्रूस से बनेंगी, तो सब स्प्रूस से बनेंगी। तो पहले मैं घर का बेस बना लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे काउंट करने हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ से अब मुझे आगे जाना है, हाँ तो ये बिल्कुल सही आ चुका है। तो अब मुझे यहाँ से 9 ब्लॉक जाना है, हाँ तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पकड़ आएगा। तो यहाँ से अब मैं पूरा बेस बनाता हूँ इसका। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने इसका पूरा बेस बना लिया है, तो अब मुझे बस घर बनाना शुरू करना है, और क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्प्रूस की लकड़ियाँ उठा लेता हूँ, यहाँ पे मुझे आगे जाके लगानी है, तो इसको मुझे 6 ब्लॉक ऊंचा करना है। तो यहाँ पे जो ये लगे हैं इन पे लगानी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब मैं थोड़ी वाटर बकेट ट्रिक करूँगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतनी ऊंचाई से, कोई बात नहीं फिर भी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये सब हो गए हैं, और ये वाली एक्स्ट्रा वाली लग हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं पूरा सब लगाते हुए थोड़ी दिखाऊंगा, बस 6 लगानी है जगह जगह पे। तो अब हर जगह पे मुझे यहाँ पे स्टेयर्स लगानी है, मतलब जितने भी पूरे घर में ऐसे ही समझ लो, देखो इस तरीके से बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ी सी रह गई वो लग जाओ, वो भी लगा लेता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम बहुत है मेरे पास, वैसे टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, बस हो गई। अब मुझे इसके पूरे के ऊपर स्लैब लगाने हैं, यहाँ पे सब जगह स्लैब लग जाएंगे आराम से। यहाँ पे पूरे में स्लैब लग चुके हैं, तो अब मुझे ओक वाली वुड लेनी है और इसका वो बनाना है, फ्लोरिंग वगैरह बनाने हैं सब। तो यहाँ पे थोड़े से स्लैब्स भी लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे सब जगह ओक लगाने हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही लगाने हैं, तो इसमें बहुत देर लगने वाली है। तो यहाँ पे फाइनली गाइस पूरा हो चुका है, बस आगे थोड़े बहुत स्लैब लगा देता हूँ, और यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब मुझे बनानी है दीवारें घर की, क्योंकि दीवारों के बिना घर नहीं बनेगा। यहाँ पे ऐसे कुछ करके करना है, अब मैं काउंट नहीं कर रहा पूरा, मतलब देख ले यार समझ आ जाएगा। वैसे भी तो मैं कौन सा बनाना है, वैसे बनाना हो तो बना लेना, जिन्होंने ये घर बनाया उनके ट्यूटोरियल का लिंक और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने। मैं नाम भूल गया, लेकिन फिर भी यहीं पे स्क्रीन पे कहीं आ जाएगा चैनल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुम कर सकते हो, लाइक कर देना उनकी वीडियो को भी और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरे चैनल को भी कर दे यार, कर नहीं रहा। तो यहाँ पे दोनों दीवारें हो चुकी हैं, अब साइड की भी दीवारें बनानी है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। और यहाँ पे मैंने बहुत घंटों मेहनत करके पूरी सारी दीवारें बना ली हैं, तो अब मुझे ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनानी है, क्योंकि ये घर 2 फ्लोर का होने वाला है, 1 फ्लोर में मज़ा नहीं है। यहाँ पे स्टेयर्स भी बन गई, अब ये एक्स्ट्रा वाली जितनी भी लगाई हैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पे सब हट गई, रुक जाओ ये फालतू की चीज़ रह गई, रुक जाओ ये फिट कर देता हूँ, ये भी है भाई साहब। हाँ तो यहाँ पे हमारी स्टेयर्स पूरी बन चुकी हैं ऊपर तक, अब ये बस ये ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं। तो अब मुझे छत बनानी है, वो भी ओक से बनेगी, उसमें भी बहुत घंटे लगने वाले हैं। 6.5 hours later। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने बना दिया है पूरा, और नीचे स्पाइडर स्पॉन हो चुके हैं, पता नहीं कैसे, वैसे अंधेरा हुआ है तो हो सकते हैं स्पॉन,
तो मैं उनसे लड़ने जाऊंगा थोड़ा बैठ खा के, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे। तो अब यहाँ पे दो स्पाइडर स्पॉन हुए, दोनों यहाँ पे मर चुकी हैं। अब मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए तो मैं नीचे उतर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना खाना बनने रखा था वो निकाल लिया है मैंने, और यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत टॉर्चेस चाहिए होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है टॉर्च की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। ये जो स्पाइडर स्पॉन हुए हैं ये अब दोबारा स्पॉन नहीं होने हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत टॉर्च बना लेता हूँ, जितनी बन जाए उतनी अच्छी है वैसे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टॉर्च हो गई हैं, मैं सब जगह यहाँ पे लगा दूंगा, पूरे में कोई भी जगह नहीं छोड़ूंगा, ज़मीनों तक लगा देता हूँ, और थोड़ी बहुत जगह बाहर है तो बाहर भी लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे साइडों में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन अंधेरे में हो सकती हैं थोड़ी बहुत, तो रिस्क क्यों लेना है। तो मुझे ऊपर जाना है, और यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे भी वही स्टेयर्स लगा के ऊपर स्लैब लगाने हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे ये काम भी हो चुका है, और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी गलती कर दी, लेकिन वो गलती अभी देखते हैं, बाद में देखेंगे। वैसे मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी गलती कर दी, लेकिन छोटी सी गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इधर भी वो लगाने हैं सब जगह, और यहाँ पे मैंने ये सारी दीवारें पूरी कर दी, और मुझे पता भी चल चुका है कि मैंने क्या गलती करी है। ये जो देख रहे हो ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो पहले मुझे ये पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनली गाइस मैंने ये पूरा तोड़ दिया है, अब मुझे इसको दो ब्लॉक बढ़ाने हैं, मतलब दो ओक के ब्लॉक लगाने हैं। अभी देखो और समझ जाओगे। यहाँ पे एक लग गया, एक और लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। तो इसको तोड़ता हूँ और बाकी सब लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइनली गाइस इसको सब तोड़ के सही कर दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक और गलती कर दी, वैसे वो गलती बाद में देखते हैं। आप पहले सब जगह में ये लगा देते हैं फैंस, जिससे मैं गिरूँ नहीं। हाँ, तो मेरा समझ आ चुका है, ये जो दो वॉल दिख रही हैं तुम्हें, दो पिलर दिख रहे हैं ये स्प्रूस के, तो एक तोड़ा जाएगा इसमें से, और यहाँ पे मैंने वो भी सही कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ की भी छत बनानी है, इसको बनाने में भी बहुत देर लगेगी। फाइनली कहा यहाँ पे पूरा घर बन के रेडी हो चुका है। हाँ, पूरा घर बन चुका है, मैं तो मैं पूरा सेम प्रोसेस था, बस थोड़ी खाते ये देखो सारी चेस्ट खाली हो गई इतना बनाने में, एक ये तो खाली थी पहले से, तो बस सही हो गया सब कुछ। देख लो घर अच्छा लग रहा है अभी, और थोड़ी बहुत इसमें डिटेलिंग कर लेंगे बाद में। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।